विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की सियासी जमीन को मजबूती देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कमाल संभाल ली है। वो लगातार प्रदेश में जनसभाएं कर सत्ताधारी कांग्रेस को घेरने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में पीएम मोदी गुरुवार जोधपुर दौरे पर आए, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के सरकारी कार्यक्रम में नहीं आने पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत जी अब आप आराम कीजिए, आगे हम संभाल लेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति तुष्टिकरण है। पीएम मोदी ने कहा कि गहलोत पिछले बीते 5 साल के दौरान अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जबकि प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा, अपराध, महिला अत्याचारों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने आह्वान किया कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो राजस्थान में अपराधों से जुड़ी समस्याओं का हल करेंगे। इसके साथ ही मोदी ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार में करप्शन के इन काले कारनामों को भाजपा की सरकार आने पर बेनकाब करने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक माफिया को चुनाव के बाद आने वाली भाजपा सरकार सख्त कार्रवाई के जरिए निशाने पर लेगी। उन्होंने कहा जहां कानून व्यवस्था खराब होती है वहां निवेश नहीं होता है, भाजपा सरकार आएगी तो रोजगार भी लाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। भाजपा चुनावों को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनावों की पूरी कमान संभाले पीएम मोदी को या सफलता मिलती है या कर्नाटक तरह हार का सामना करना पड़ेगा। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।